स्विट्ज़रलैंड ऑफर करता है एक ऐसा स्कॉलरशिप जो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो लास्ट डेट है वो दिसंबर 15 तारीख 2023 में इसका लास्ट डेट एप्लीकेशंस की। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर करता है ETH Zurich। ETH Zurich एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन्होंने ओपन किया है हर नवंबर के एवरी मंथ, नवंबर 1 से 15 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारा स्कॉलरशिप एक्सलेंट मास्टर्स स्टूडेंट स्कॉलरशिप है, इसका नाम है ESOP। और ये स्कॉलरशिप एक्सलेंट स्कॉलरशिप एंड अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम है, ETH फाउंडेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है एवरी ईयर। और यहाँ पे आपको फुल स्टडी कवर, लिविंग कॉस्ट जो भी वहाँ पे स्विट्जरलैंड में लिविंग कॉस्ट, ट्यूशन, स्टडी कवर, ये ETH आपका सारा बियर करेगा स्कॉलरशिप। ये मास्टर्स डिग्री कोर्सेज हैं और मैं आपको इसका लिंक, इसकी वेबसाइट, कैसे आप इस प्रोग्राम में जाएंगे मैं आपको अभी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको इसके बारे में सारी डिटेल प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो को वॉच करें, लाइक करें ताकि आपको सारी समझ आए कि ये स्कॉलरशिप आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये पेज है और ये वेबसाइट है ETHZ.CH। ठीक है, ये जब ओपन करेंगे आप तो यहाँ पे सारी डिटेल है स्कॉलरशिप की, स्कॉलरशिप लीविंग का कॉस्ट और स्टडी, ये बियर करती है ये कंपनी ETH Zurich, स्टूडेंट की स्कॉलरशिप। और अगर जिनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही, कर सकती है स्टडीज़ के लिए अपने बच्चों को, तो ये बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी है कि ये फ्री एजुकेशन है, स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप है ETH Zurich फाउंडेशन की तरफ से। तो ये जो है ये हर साल जो है एवरी ईयर नवंबर में स्टार्ट होता है, 1 नवंबर से अभी स्टार्ट हो गया है। अच्छा, ये जो है ETH Zurich स्कॉलरशिप, ये आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप कैलकुलेटर है, यहाँ पे ओपन करेंगे आप और यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए अब यहाँ पे आप जो ये है ये कैलकुलेटर है कि हमें स्कॉलरशिप जो है वो कितने परसेंट और कितने हमको स्टडीज़ के लिए, पोस्ट मास्टर्स डिग्री के लिए वो ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपकी यहाँ पे देखें आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप स्विस करेंगे या नहीं, सॉरी यहाँ पे आप अदर्स करेंगे क्योंकि आप हमारी अगर अपनी नेशनलिटी जो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो यहाँ पे करेंगे। रेजिडेंस परमिट है नन अदर, ड्यूरिंग माई स्टडीज आई एम लिविंग विल बी लिविंग एट माई होम विथ माई पेरेंट्स अवे फ्रॉम होम। ठीक है, आप यहाँ पे करेंगे कि आप अवे फ्रॉम होम करेंगे। ओके, माई ETH स्टडीज विल लीड टू माई फर्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यस, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट एजुकेशन होगी ETH की तरफ से। माई मैरिटल स्टेटस है अनमैरिड है फॉर एग्जाम्पल। ओके, अगर आप मैरिड भी लिखेंगे तो आपको एक बेनिफिट है कि आपको फैमिली जो है बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, आपको वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा फैमिली की तरफ से। और यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे और ये नहीं, सॉरी, यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे जो है आपके बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अगर आपके नहीं है तो आप 0 कर दें और यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे। एक और वैल्यू है यहाँ पे, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ है वो हम भूल गए थे, 03, ये इस तरह हमको लिखना है, फॉर एग्जांपल 1980, ये हमको ये, और नेक्स्ट करेंगे आप। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा वो, सॉरी, ये फॉर्मेट जो है आप जो नेक्स्ट पेज है माई एनुअल इनकम, एंटर ऑल अमाउंट्स इन स्विस फ्रैंक्स फॉर एंटायर ईयर, स्विस फ्रैंक्स जो है स्कॉलरशिप फ्रॉम माई स्विस कैंटोन और फ्रॉम एनी कंट्री ओरिजिन। आपने कोई स्कॉलरशिप अप्लाई किया? नहीं, यहाँ पे मैं 0 करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप करेंगे अदर स्कॉलरशिप्स, आपने फाउंडेशन से कहीं अप्लाई और किया है? 0, नहीं। लोन आपने अप्लाई किया? नहीं, 0।
यहाँ पे आप पेंशन या फॉर इंश्योरेंस और पेंशन प्लान आपका कोई है? नो, ज़ीरो। फिर यहाँ पे अलमोनी, यहाँ पे भी ज़ीरो। यहाँ पे आपने नेट इनकम फ्रॉम माय एम्प्लॉयमेंट, आप ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो। इनकम फ्रॉम इंटर्नशिप, यहाँ पे ज़ीरो। टोटल स्विस फ्रैंक्स, ज़ीरो। माय पर्सनल एसेट्स, आपके पास कोई एसेट है पर्सनल? नो, ज़ीरो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, और नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, ये फैमिली सर्कमस्टेंसेस शो करेगा ये वाला पेज, और मैरिटल स्टेटस ऑफ माय पेरेंट्स, पेरेंट्स का मैरिटल स्टेटस क्या, मैरिड है, अनमैरिड है, विडोड है, डिवोर्स्ड है या रिमैरिड है। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे नंबर ऑफ सिबलिंग्स आपके भी इन एजुकेशन और इन स्कूल एज अगर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक करेंगे या ज़ीरो करेंगे। फिर सिबलिंग्स लिविंग विद पेरेंट्स, यहाँ पे आप ज़ीरो करेंगे या एक करेंगे जो पेरेंट्स के साथ रहते हैं। डिपेंडेंट्स, टैक्सेबल इनकम आपकी है नहीं, ज़ीरो करेंगे। और यहाँ पे जो पेरेंट्स है, टैक्सेबल एसेट्स ऑफ पेरेंट्स, वहाँ पे भी आप ज़ीरो करेंगे, अगर है तो मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे, एक्सपेंसेस बजट फॉर स्टडीज। आप बजट जो आपका है ये खुद कैलकुलेट करेगा ऑटोमेटिकली, ये आपको शो करेगा। ETH कॉस्ट कितना है, ट्रैवल कॉस्ट आपका फॉर एग्जाम्पल आप 500 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये हमें क्या दे रहा है, टोटल कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट, एजुकेशन कॉस्ट, ट्यूशन फीस, एजुकेशन कॉस्ट, चाइल्ड बेनिफिट्स, टोटल जो है 23,560 स्विस फ्रैंक्स ये हमें दे रहा है ये कैलकुलेशन, ये अप्रॉक्सीमेटली रफली कैलकुलेशन दे रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये, उसके बाद ये क्या कहते हैं, रिजल्ट दे रहा है हमें। ठीक है, ये पोटेंशियल एनुअल स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगा ETH की तरफ से वो इतना मिलेगा, 11,700 स्विस फ्रैंक्स मिलेगा। ठीक है, ये सम इज नॉन बाइंडिंग एंड विदाउट एनी गारंटी, इट मे चेंज एट एनी टाइम विदाउट नोटिस। तो ये इन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया। आई विल गो बैक, ठीक है, अब हम बैक जाएंगे। तो बैक के बाद हम और कुछ डिटेल्स इसमें है जो ये इनका पेज है, ऑफिशियल पेज, तो ऑफिशियल पेज में हम जाएंगे। उसके बाद स्कॉलरशिप कैलकुलेटर हमने चेक किया, और हम एक्सप्लोर करेंगे स्टडी ग्रांट फॉर फाउंडेशन जो है, लिविंग कॉस्ट कितना है, जहां हम जाएं जुरिक जाएंगे तो वहां पे जुरिक में लिविंग कॉस्ट कितना है स्टडीज़ के लिए, वो PDF इन्होंने दिया है, ETH की तरफ से है, और इनका ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं स्टडी स्टूडेंट सर्विस की तरफ से, ये उनकी तरफ से एक कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे आप जो है उनको कांटेक्ट करें और यहाँ पे आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। और उसके बाद हम लिविंग कॉस्ट, स्टडी कॉस्ट, कॉस्ट जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली जो है नदिया, ट्यूशन फी वो ये है 730, ये आप देखें इस तरह से, और टोटल जो है एनुअल और मंथली जो कॉस्ट है, स्टडी कॉस्ट और लिविंग कॉस्ट, वो ये फिगर्स दिए इन्होंने। ठीक है, ये PDF यहाँ पे आपको मिलेगा, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका लिंक मैं प्रोवाइड करूँ, वहाँ पे ओपन करें, और इंडिविजुअल लिविंग कॉस्ट कितना है, टोटल स्टडी और लिविंग कॉस्ट टोटल आपको 24,000 स्विस फ्रैंक्स एनुअली पर ईयर। ठीक है, ये आपने दिया, ये जनवरी 2023 का डेटा है। उसके बाद विल गो बैक, ये एक्सेलेंस स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी जो प्रोग्राम है, ESOP, इसको बोलते हैं ESOP। अब यहाँ पे मैंने ESOP ओपन किया, एक्सेलेंस स्कॉलरशिप एंड अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, ETH जूरिक की तरफ से है, एक्सेलेंट मास्टर्स स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो परस्यू करेंगे अपना एजुकेशन और फुल स्टडी और कॉस्ट लिविंग मास्टर्स डिग्री कोर्स के लिए ESOP ETH फाउंडेशन जो है वो बियर करेगा सारे कॉस्ट। यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स हैं, ये आप यूट्यूब चैनल वॉच करें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो जाएंगे हमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ESOP क्या कैसे करेंगे आप सबमिट, ये ई अप्लाई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन है ऑनलाइन और मास्टर्स एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे ETH बैचलर स्टूडेंट्स फॉर ए कंसेक्यूटिव मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे, और जिन्होंने बैचलर्स डिग्री की है वो एलिजिबल है। आप देखिए वेरी गुड रिजल्ट इन बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, 10% टॉप 10% बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, ग्रेड ए होना चाहिए,
और उसके बाद आप सेकंड जो है इसके लिए रिक्वायरमेंट जो है आपका सीवी होना चाहिए स्विस एज पर स्विस स्टैंडर्ड की तरफ से, यूरोपियन स्टैंडर्ड, ठीक है। इफ़ यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम ETH Zurich, होल्ड ए मास्टर्स डिग्री, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ESOP। अगर आप मास्टर्स डिग्री ETH Zurich की तरफ से आपने ऑलरेडी अप्लाई किया, एनरोल किया है, तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशन विंडो ओपन है, ओके, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वो डेट्स आप बताएंगे। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे PDF मास्टर्स एडमिशन के लिए क्या क्या एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स जो है प्रपोजल मास्टर्स थीसिस के लिए वो यहाँ पे PDF इन्होंने दिया है, यहाँ पे आप स्टडी कर सकते क्लिक करके। तो ये आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, ये ओपन होगा, ठीक है, ये ओपन हो गया। यहाँ पे प्री प्रपोजल फॉर मास्टर्स डिग्री थीसिस, ये आप स्टडी करें स्कॉलरशिप के लिए, प्रपोजल मास्टर्स डिग्री के लिए। वी विल गो बैक, और यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप ESO की तरफ से टोटल अमाउंट जो आपको दिया जाएगा वो 12,000 पर सेमेस्टर दिया जाएगा, और ये आपको ESOP स्कॉलरशिप, एक्सलेंस स्कॉलरशिप की तरफ से आपको मिल जाएगा इस स्कीम के तहत। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हैं, अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस है 2023-24 60 ESOP स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इन्होंने ओपन किए हैं 60 ESOP स्कॉलरशिप्स, और ये एडमिशन जो है कमिटी मास्टर्स डिग्री फाइनल डिसीजन इनका जो है आप अप्लाई करेंगे जो है फरवरी में इसका जो आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद मार्च एंड में इसका रिजल्ट डिसीजन जो है वो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा मार्च एंड में, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर जो एनुअल स्कॉलरशिप से डिपेंड्स अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, अब इनके पास फंड्स जो है उसके हिसाब से जो मिनिमम जो अप्रॉक्सीमेटली जो ESOP स्कॉलरशिप है वो 60 है पर ईयर। एक्सलेंस स्कॉलरशिप जो है एप्लीकेशन इसके लिए जो है अभी स्टार्ट हो गई है नवंबर, आज 5th नवंबर है, 6th नवंबर है, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दिसंबर इसका एंड डेट है। कॉन्टैक्ट नंबर ये है ETH Zurich फाइनेंशियल एड ऑफिस रेमिस्ट्रासी 101 HEF221-8092 Zurich स्विट्जरलैंड, तो ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको फ्री स्कॉलरशिप है, फ्री एजुकेशन है, आपको स्विट्जरलैंड में पढ़ने का टाइम मौका मिलेगा, और आपको एक्सप्लोर करने का, और आप अपना करियर जो है यूरोप में बना सकते हैं। मास्टर्स डिग्री के बाद आपको अपॉर्चुनिटी है, जॉब्स आपको बहुत सारी अवेलेबल है, तो आप इसको ग्रैब करें इस अपॉर्चुनिटी को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने कॉमेंट्स में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दे दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रैवल पीडिया।